भगवान श्री राम ने अयोध्या से निकलकर लंका तक के सफर में जहाँ जहाँ पर भी अपने पग धरे, वहाँ वहाँ के खास स्थानों पर मंदिर, कुंड या रामालय बन गए। निश्चित ही लंका से लौटने के बाद भगवान श्री राम ने अयोध्या में कई तरह के कार्य किए होंगे, जैसे शिवालय बनवाना, महल, आश्रम, कुटी आदि बनवाना। लेकिन आज की इस वीडियो में हम बता रहे हैं चार ऐसे कार्य जो उन्होंने अपने वनवास के दौरान किए थे। आइए जानते हैं। स्वागत है दोस्तों आपका हमारे चैनल समय चक्र में। पर्णकुटी। श्री राम जब गंगा पार करके चित्रकूट पहुँचे तो वहाँ गंगा यमुना के संगम पर ऋषि भारद्वाज का आश्रम था। महर्षि ने वही एक पहाड़ी पर श्री राम को कुटी बनाने की सलाह दी थी। श्री राम ने वहाँ पर पर्ण कुटी बनाई और वही रहने लगे। बाद में वे नासिक के पंचवटी क्षेत्र में गए तो वहाँ भी पर्ण कुटी बनाई। फिर जब वे सीता की खोज में निकले तब रास्ते में जहाँ भी कुछ दिनों तक रुकना होता वहाँ पर्ण कुटी बनाते। बाद में रामेश्वरम में और फिर अंत में श्रीलंका में पर्ण कुटिया बनाए जाने का उल्लेख मिलता है। वस्त्र। ऐसा कहते हैं कि श्री राम, श्री लक्ष्मण और माता सीता खुद के ही बनवाए वस्त्र और खड़ाऊ धारण करते थे। शिवलिंग। महाकाव्य रामायण के अनुसार भगवान श्री राम ने लंका पर चढ़ाई करने के पहले रामेश्वरम में भगवान शिव की पूजा की थी। रामेश्वरम का शिवलिंग श्री राम द्वारा ही स्थापित शिवलिंग है। सेतु बनवाया। इसके बाद प्रभु श्री राम ने नल और नील के माध्यम से विश्व का पहला सेतु बनवाया था और वह भी समुद्र के ऊपर। आज उसे राम सेतु कहते हैं, जबकि राम ने इस सेतु का नाम नल सेतु रखा था। तो दर्शकों, आज का सवाल आपके लिए ये है कि क्या आप बता सकते हैं कि रामायण किनके द्वारा रचित है? आप इसका जवाब हमें नीचे कमेंट बॉक्स में दीजिए। हमें आपके जवाब का इंतजार रहेगा। तो मिलते हैं आपसे अपनी अगली वीडियो में। तब तक देखते रहिए समय चक्र।